सांप कुल दस्ती जानवरों जानवर जिनकी खुदावन खुदा ने बनाया था चलाक था और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तू ना खाना तू ना खाना From the trees in the garden. औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं लेकिन एक ऐसा दरख्त है जिसका फल हम लोग को, को नहीं खाना चाहिए खुदा ने हमसे कहा है बाग के बीच वाले दरख्त का फल तुम्हें नहीं खाना चाहिए तो तुम्हें इस दर का छूना भी नहीं चाहिए वरना तुम मर जाओगे उस उस बात पर सांप ने औरत से कहा तुम नहीं मरोगे खुदा जानता है कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो तुम तो खुदा की तरह अच्छे और बुरे की तमीज का शोर हो जाएगा। अमन अमीन। Today the title is Open the eyes to see the fundamental। और आज के कलाम का जो अनुवाद है वो है बुनियाद को देखने के लिए आंखें खोलें, बुनियादों को देखने के लिए आंखें खोलें। खोलेट हम बार बार अंजील अंजील को दोहराते हैं वाई दू विस्ट पो पर uh, हमें अंजील की जरूरत क्यों है हम शायद ये कहें कि खुदा की बात में दाखिल होने के लिए हमें अंजील की जरूरत है पर मैं आपको बताना चाहता यही सिर्फ एक वजह नहीं की। और हमें मतलब ज़िंदगी के काफी साल हमने जिंदा रहे हैं God has given us the gospel to

और अपने माजी की वजह से मैं अब इस सूरत हाल में हूँ और अपने मुस्तबिल की फिक्रमंद हूँ You you can't change. You, you cannot change your past. आप अपना माजी बदल नहीं सकते So people are regretful uh, of their past. और क्योंकि हम लोग अपना ए, लोग अपना माजी नहीं बदल सकते तो इसलिए वो अपने माजी से ए, नताशा होती है उन्हें uh, फिक्रमंदी कह लें नाराजगी oh, I should have studied harder. मुझे मतलब वो अपने आप से कहते हैं मुझे अपने माजी में ज्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए थी or, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए or, oh, because of my poor parents. और और बिकॉज़ ऑफ माय पुअर पेरेंट्स मेरे अगर से मेरे माँ बाप गरीब हैं Or uh, because I met the wrong friends in the past. How do you think of your past? You, you will never be able to change your past, right? Uh, doing my ministry in this.

देखा है जो कि गोद लिए गए हैं कोरिया में वो जिनसे कोरियन होंगे उनके माँ बाप पर उन्हें किसी ने लेके पाला है गोद लिए वो जब भी किसी मुश्किल का शिकार होते हैं या किसी मुश्किल सूरत हाल में होते हैं तो वो उस मुश्किल सूरत हाल को तनाजुर में देखते हैं कि ये मेरे पे मुश्किल आई है क्योंकि शायद मैं गोद लिया गया हूं एंड आई मेट सो मेनी फॉरेनर्स हु थिंक लाइक दिस ओ बिकॉज आई एम फ्रॉम द पोअर फैमिली और मैंने बहुत से जो गैर मुल्की लोग ऐसे देखे हैं जो दूसरे मुमालिक से हैं वो इस तरह सोचते हैं हाँ शायद मैं गरीब घराने गर से ताल्लुक है इज दैट ट्रू रीजन दैट यू हैव प्रॉब्लम्स नाउ तो क्या आप ये आप भी ये समझते हैं कि ये ही सच्चाई असल मसला है असल सच्चाई है जिसकी वजह से आप अब अब भी मुश्किलात का सामना करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इट इज नॉट श्रू पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सच नहीं है बट आई थिंक इन दिस वे पर लोग इस तरह से सोचते हैं वट इज अ ट्रू प्रॉब्लम पर हकीकी मसला क्या है यू मस्ट टुडे यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड और आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप जरूर इस चीज को देखें कि बुनियाद के पीछे क्या है बुनियादी मसले के पीछे क्या है सो व्हाट इज अ ट्रू प्रॉब्लम द रियल प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन और मैं uh, सबसे जो हकीकी मसला है इंसान का वो क्या है हकीकी मसला

तो हमें दुरुस्त तौर पे जानने की जरूरत है कि गुनाह क्या द फर्स्ट इज द ओरिजिनल sin गुनाह में जो पहला नुक्ता है वो है असल गुनाह हकीकी गुनाह द स्टेट दैट वी वर बोर्न इन और ये वो हालत है जिसमें हम इंसान पैदा होते हैं एंड इट इज फ्रॉम एडम एंड ईव और ये चली आ रही है आदम और हवा से

then how many sins do we commit uh, in our daily lives? so it's countless if you uh, if god examines you through your th through your sins whether you go to heaven or not we must be absolutely going to hell Absolutely, right? अगर खुदा सिर्फ हमें हमारा इम्तिहान जो है वो सिर्फ हमारे गुनाह के एतबार तो से ले तो जितने हमारे गुनाह हैं तो शायद ये जरूर है कि हम दो सक में जाएं। And the third, ancestors sins. और दूसरा जो है अबाउजदाद के गुनाह। It is uh, because of your parents. Uh, ये जो गुनाह हैं ये हमारे अबाउजदाद के हमारे बड़ों की वजह से। If they worshipped

यहाँ पर एक और मसला कुछ ऐसे घराना भी हैं जो बायदगी से चर्च भी जाते हैं लेकिन उनकी जो हैसियत है वो मजबी जिंदगी गुजारते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो इसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं रिसेंटली वीडिया Uh, there's this uh, big issue about um, like uh, what it, how do you say parents killed their adopted children. Or I be do have uh be told do media have dicada gas not to dicarahat. One couple, they adopted a child, a kid, and they raise her, raise uh, this baby. And when he, uh, he was bitted up, and then he died when he's two years ago, two years old. अच्छा तो हुआ है इस तरह के एक एक जो कपल है मिया बीबी उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया तो वो जब उन्होंने उसकी अच्छे से परवरिश की पर दो साल की उम्र में वो बच्चा इंतकाल कर गया हो गया सो ऑल पीपल इन कोरिया एंग्री अबाउट दिस तो मतलब वो लोग जो हैं वो मतलब यहाँ के आम लोग जो हैं जब पता चला तो लोग बड़े नाराज हुए do you understand what i'm saying did you see that news no. on tv no? no it is happening now Yeh, I mean, is. but the thing is they were christians the is, they were, those parents who bidded a baby up and killed him they were क्रिश्चियन्स मतलब वो जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो जो वाल वाल्डयन थे जिन्होंने वो गोद लिया और उसे मार दिया वो क्रिश्चियन uh, थे मोरओवर दो साल के बच्चे को their parents आई I मीन mean, the parents parents grandparents -parent. right? Grand grandparents were pastors और इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जो उनके uh, दादा अबू थे

और इन्हों ये जिनकी मैं बात बता रहा हूँ इन्होंने तालीम जो है वो मसीह यूनिवर्सिटी से हासिल की हंदोंग यूनिवर्सिटी इन पोहांग ये हंदोंग यूनिवर्सिटी है पोहांग में इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी देयर ये मतलब वहाँ पर बड़ी मशहूर है वन ऑफ माय वन ऑफ और एक जो मेरा दोस्त है एक मेरे दोस्त हैं जो कि जो वो, वो भी पास्टर हैं उन्होंने भी वहां से तालीम हासिल की थी

अगर आप इसके हल से ना वाकिफ हैं तो आप इसमें ही इस सूरत हाल में ही गुमराह रहेंगे What is the purpose of our walk of faith? और हमारे अकीदे का मकसद क्या है? I can see so many Christians. They say, "I'm going to church so I can be holy." और मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो के कहते हैं कि क्योंकि मैं चर्च जाता हूं तो शायद मैं पाक हूं.

आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते इट इज द पॉल कैन के जरिए से मुमकिन है कि हम अपने आप को तब्दील कर सके इट इज ऑनली दि चेंज सिर्फ अंजील की मदद से हम अपने आप को बदल सकते हैं इफ आई ट्राई समथिंग ऑन सेम कैन आई चेंज हेम

Uh, मसीह की जरूरत uh, अंजील की जरूरत है और मसीह की और वो मसीह कौन जो पासबान है खादम है जिस, जिसने खून के जरिए हमारे गुनाहों को धोया है the second, our background. और दूसरा नुक्ता जो है वो है हमारा पस मंजर people they live like a hell life look jahannam was in the greek code jahannam kita rakuzat then they, they will go to the hell after all or peter akim may be what jahannam may have they have not noticed that their background was hell if you look at the screen my

For those who don't have the gospel, their background is this, like hell. Or in the same way, those people who don't have the angel, their present scene is hell. So on the opposite way, we, as a child of God, must enjoy our background, that is the kingdom of God. And on the contrary, we must enjoy our present scene, that is the kingdom लुत्फंदोज होना है बट इन फैक्ट वी डोंट रियली एंजॉय आवर बैकग्राउंड पर मसला ये आता है कि दरअसल हम अपने जो पसे मंजर है जो कि हमें दिया गया है उसमें खुश नहीं Heavenly throne. और हमने खुश होना है लुत्फ अंदोज होना है जो आसमानी तख्त है All the blessings will be granted from the throne of heaven. जितनी भी बरकत हैं, वो आती हैं

और आपको पता है मत्ती की किताब 16 बाब 19 आयत में लिखा है जीसस टोल्ड अस दैट ही वुड गिव अस द कीज ऑफ हेवन और यहां पर लिखा है कि वो आपको आसमान की कुंजियां देंगे ही प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू द की ऑफ हेवन और ये आयत हमें बताती है कि मैं आपको आसमानी बादशाह की कुंजीया दूंगा इफ यू बाइंड ऑन अर्थ इट विल बी बाउंड In heaven. अगर आप जो जिस जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बन जाएगी God. ये वो uh, कुंजी है जो कि खुदा की कुछ आसमानी कुंजी है आसमानी चाबी है Why things are not happening?

वर्ड्स तो अगर आप इस पर वाकई में ईमान रखें और इसमें खुश रहना शुरू कर दें तो काम होना शुरू हो जाएगा और मसीह जो है वो हकी सच्चे नबी हैं जिन्होंने रस्ते को बहाल किया नॉट जस्ट ओपनिंग दू आज बट ही

जो दोजक का पश्चिम मंजर है वो हट जाएगा खत्म हो जाएगा एंड थर्ड सेटनस डेस्टिनी और तीसरा नुक्ता जो है वो शैतान का जो तकदीर है इन अदर वर्ड सेटनस स्नेयर या दूसरे लफ्जों में कहते हैं शैतान का जो शैतानी ताकुब है डू यू नो व्हाट इज स्नेयर आपको लफ्ज ताकुब का पता है व्हाट इज स्नेयर ये ताकुब क्या होता है When you catch a wild animal, you you need this, right? So, when we catch a wild animal, we need this, right? So, when we catch a wild animal, we need this, right? तो जब हम किसी जंगली जानवर का शिकार करते हैं, तो हम Yeah, for hunting. मतलब शिकार के लिए। Let's say uh, if you are if one animal got caught in this snare, and then he tries to you know get out of it, right? Hmm. तो uh, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई uh, शिकारी जो है किसकी किसी जानवर का ताकुब लगा लेता है उसके शिकार में आ जाता है तो वो जो शिकार में आया हुआ जानवर वो मतलब कोशिश करता है उससे बाहर निकलने की बट द मोर इट ट्राइज टू गेट आर वेट द मोर इट वो थाइन इट

और यहाँ पैसा वगैरह देते हैं इन कोरिया जगहों पे इन कोरिया देर आर लट्स ऑफ लट्स ऑफ बुद्धा टेंपल इन आर इन आर कंट्री और कोरिया में जो है वो बहुत से मतलब बुधा के बुद बुधा, बुधा के लोगों के मंदिर बने हुए हैं इन सो मेनी पीपल आर कमिंग टू दैट बुद्धा टेंपल एंड दे वorship the the sculpture और बहुत से लोग जो हैं वो इन मंदिरों में आते हैं और जो मुजस्मे होते हैं उनको सज्जा करते हैं। Why they are coming? और क्यों? क्यों वो आते हैं? Because they have problems, right? क्यों? क्योंकि उन्हें कोई मसला है। They worship them to solve their problems. वो मतलब सज्जा करते हैं अपने मसाइल के हल का लिए। But the thing is, the more you worship the idols, the more you will suffer. पर मसला ये आता है कि जितना ज्यादा आप मतलब सजदे करते हैं जितनी ज्यादा आप इबादत करते हैं उतनी ज्यादा आप परेशानियों का शिकार हो जाते दो uh, yes. okay. साल पहले मैं जो हूँ मैं एक फिलीपीन के एक आइलैंड पे गया जजीरा पे गया there, there is the, a, uh,

क्योंकि वहाँ पे कोई बैनन लकवामी मेयर का एयरपोर्ट भी नहीं था तो मैं उस मुल्क में फिलिपिन पहुंचा तो वहां से मैंने एक इलाके ही फ्लाइट लेकर उस इलाके में पहुंचा एंड आई फाउंड ए मॉन्यूमेंट ऑफ कोरियन आर्मी तो मैंने वहां पे देखी एक एक एक, एक, एक जगह बनी हुई है जो कि कोरियन लोगों के आर्मी के लिए है आई didnt know that कोरियन आर्मी केम टू दिस आइलैंड और मुझे नहीं पता था कि मतलब कोरियन आर्मी जो है इस जजीरा पे मौजूद है so, या आई yeah. हुई थी सो आई हर्ड द स्टोरी ऑफ दैट मॉन्यूमेंट और मैंने एक कहानी सुनी इस कैंप से मुतालिक इन 2000 ईयर 2013 देयर वाज अ बिग टाइफून एंड ओवर 10000 डाइड अच्छा तो वो कुछ इस ऐसे वाकया है कि uh, सन 2013 में सन 2013 में वहां पे एक uh, समुद्री तूफान आया जिसके नतीजा में दस हजार लोगों का मौत हो गई तो इस वजह से वहां पे वो लोग मौजूद थे दैट्स द रीजन द कोरियन आर्मी केम टू केम हियर दिस आइलैंड टू हेल्प देम और ये वो वजह थी कि कोरियन आर्मी जो है वो इस जजीरा पर पहुंची ताकि उन लोगों की मदद की जाए यू नो द रिबिल्ड अह

I was on my way back way back to the airport airport and I saw many cars and trucks who are who made a line and uh, they were like um have they are just marching. Uh, with the lines of cars. Right, yeah. And on top, there were these sculptures. Sorry about the bad drawing. No, no

वो लोग क्या कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की मतलब उनका बुत प्रस्ती कर रहे हैं सो आई फाउंड रियलाइज दैट दैट इज द रीजन दे हैव दिस क्लैमिटी और मुझे फिर वहां पर जाके इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा हुआ इसकी वजूहत का कि ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग जो है मुश्किल का शिकार हो इफ यू वर्शिप द आइडल्स देन योर चिल्ड्रन विल बी कर्स्ड और अगर आप बुत uh, प्रस्ती करते हैं बुतों की करते हैं तो आपकी जो आने वाली नस्ल है उन पर पर आती हैं। Disasters are coming. तो है, आती हैं। तो तो जो हैं हैं। वो फिर मैं मैं खैर उन्हें समझ गया। अगर मसला यह है कि अगर, कि अगर वो ऐसा ना भी करें बुद्ध परस्ती ना भी करें तो भी उन पर लानते आएंगी तबाहकारियां आएंगी क्यों So you can't stop worshipping idols. Why? Why? Because you can't stop but if you worship idols, we will be cursed. So you can't go right or left. Anyway, there's no way for that. That is the destiny. That is a snare. जिसे कह लें आप ताकुब हाउ कैन यू ओवरकम इट और इसमें से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं इट्स द सेम अगेन क्राइस्ट और इस ताकुब से हम निकल कैसे सकते हैं

इस्लाम और क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो गिरा हुआ है दूसरे मज़ाहिब में इसलिए हमें जरूरत है Priest, prophet, and the king. और जो कहे है पासबान नबी पासबान बादशाह और नबी ओनली only ओनली Christ कैन विन ओवर द फोर्स ऑफ सोसाइटी सिर्फ सिर्फ मसीह के जरिए हम शैतान पे गलबा हासिल कर सकते हैं इफ यू कैन एंजॉय द क्राइस्ट एवरी डे यू कैन विन ओवर द कर्सेस एंड हेल एंड द डेस्टिनी अगर आप खुश रहते हैं मसीह पर तो फिर आप इन चीजों से बचे रहेंगे लेट मी गिव यू अ कंक्लूजन और यहां पर मैं आपसे इख्तिताम शेयर करना चाहूंगा बताना चाहूंगा आपको जीसस इज अ क्राइस्ट नतीजा क्या है वो है यीशु ही मसीह है how can you come to this conclusion or if you can correctly see what is the true problem then you will come to this conclusion you can't do anything about it

आपकी घराना और आपका मुल्क जो है वो तब्दील होना शुरू नो दिस no और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है लेकिन सिर्फ और अगर आपके पास ये अंजील मौजूद है तो फिर आप अपने कबाइल को बदल सकते हैं फर्स्ट स्टेप फॉर enjoy इज by दिस

예수 그리스도의 크신 그 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성경의 내 주인도 역사 충만하심이 오늘 예수가 그리스도 되심을 붙잡고 세 가지 근본 문제를 보는 눈을 가지사, 가지, 가져서 어, 이번 한 주간 모든 문제 앞에서 오직 그리스도만을 누리기 원하는 이제리 앉은 모든 서남아시아 사명자들 몰리 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘 땡큐